पाली स्मीक डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों के समक्ष ही स्कूल के शिक्षक और शिक्षिकाओं ने शर्म से सर झुका देने वाली एक ऐसी हरकत कर डाली कि वहां मौजूद बच्चों के साथ अभिभावक भी सन्न रह गए। दरअसल इस दौरान रिमिक्स की धुन पर स्कूल के शिक्षक जमकर थिरके। अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले इन शिक्षकों से किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी। विद्यालय परिसर में आयोजित वार्षिक उत्सव के दौरान शिक्षक और शिक्षिकाओं की इस बेशर्म हरकत को देख अभिभावक भी अत्यंत अमर्यादित और अशोभनीय महसूस कर रहे थे। अभिभावकों ने शिक्षकों की इस हरकत को निंदनीय बताया। ध्यान रहे कि इस विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई पर फोकस नहीं किया जा रहा है, लिहाजा इसका ताजा उदाहरण हाल ही में संचालित हायर सेकेंडरी की परीक्षा परिणाम में देखने को मिला, जो कि काफी निराशाजनक रहा। हायर सेकेंडरी में 71 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, जिनमें से केवल 23 ही बच्चे पास हो पाए, जबकि 37 से ज्यादा बच्चे फेल हो गए। शिक्षा का जो केंद्र होता है, जिसे हम शिक्षा मंदिर के रूप में मानते हैं, और शिक्षा के मंदिर में इस तरीके से बच्चों के सामने और उनके पालकों के सामने स्टेज पर शिक्षक शिक्षिकाओं का इस तरीके से रिमिक्स गानों पर डांस करना और अश्लील अभद्रता पूर्वक डांस करना, यह बिल्कुल ही निंदनीय अशोभनीय है। इससे बच्चों पर भी गलत प्रभाव पड़ेगा और समाज पर भी गलत प्रभाव पड़ेगा कि एक शिक्षा के मंदिर में इस तरीके से अश्लील और अभद्र